बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे 1.4, जो कि सफ़ा नंबर 12 पे है। टॉपिक है सेटों पर अवामिल बजरिया वैन अशकाल। सेटों पर अवामिल बजरिया वैन अशकाल, ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वैन डायग्राम्स, ये आपका टॉपिक आज का। अच्छा, बात बड़ी सीधी सादी है। अब वैन डायग्राम के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि चीज़ों को ना ग्राफिकल फॉर्म में शो किया जाए। जैसे कि आपने पहले ग्राफ्स बहुत सारे बनाए होंगे कि आपके पास एक टेबल होता है, टेबल में जैसे मिसाल के तौर पे ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, कि आप किसी पेशेंट का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइम पे, उसकी एक रीडिंग दी होती है। तो ठीक है, उसमें सारी मालूमात तो हैं किस, लेकिन किसी डॉक्टर के लिए या किसी रिसर्च में जब आप इसे इस्तेमाल करें या कोई आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हों, तो इससे ना वो विजुअल पिक्चर नहीं आती जेन में, जो इसका अगर आप एक ग्राफ ड्रा कर दें ना, जैसे ये टाइम का एक्सेस है और ये उसका टेम्परेचर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि 98.6 टेम्परेचर है, तो आप एक फर्स्ट एक ग्राफ बन रहा हो ऐसे करके, तो आपको फिर थोड़ा समझ आती है कि इसका टेम्परेचर जो है वो लेट्स से 2 PM है, ये 3 PM है, ये 4 PM है, ये 5 PM है, ये 6 PM है, तो आपको समझ आती है कि टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर बॉडी का, या बुखार कह लें वो कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, क्या हो रहा था, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर एक पिक्चर होती है, ठीक है ना। इसी तरह आपने सेट्स पढ़े बहुत ज़्यादा, जैसे जी कि ये एक मिसाल है कि एक एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक सेट बी है 6, 7, 8, 9, 10। तो अब इसमें ये ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि इनका एक एक का एलिमेंट जो है वो ओवरलैप करता, या मैं इसको थोड़ा सा ना ज़रा चेंज करके लिखता हूँ, लेट्स से कि 1, 3, 2, 4, 6, 5, इसमें मैं लिखता हूँ 7, 9, 6, 8, 10। इसमें तो बड़ा आसान था क्योंकि ये तरतीब में लिखे हुए थे कि 6 है 6, हमने फ़ौरन बता दिया कि ओवरलैपिंग है, लेकिन इस तरतीब ना लिखी हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना कि ओवरलैप करते हैं कि नहीं करते, हालांकि दोनों में 6 है, ठीक है। लेकिन इनको अगर किसी तरह ग्राफिकल फॉर्म में ले आएँ तो फिर ज़रा आसान हो जाएगी ना बात करना। जैसे मिसाल के तौर पे, बल्कि ठहरे अभी, मिसाल को ना ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाते, सिंपल रखते हैं। जैसे मैं कहूँ जी ये सेट ए है, उसको मैं एक डब्बा सा बना लेता हूँ, और जी ये सेट बी है, ठीक है। अब एक एलिमेंट ओवरलैप करते ना, अभी देखिए सेट ओवरलैप कर रहे हैं ना, और जो ओवरलैपिंग जगह है वहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है, चाहे ये सेट्स ना भी हों, आप कहेंगे हाँ यार ये जो चीज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो बीट्स इन्फॉर्मेशन है, टेबल है, कोई भी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, और जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं ना 6 है। अब किसी को सेट थ्योरी ना भी आती हो ना, इवन कि आप अपने फैमिली में से किसी को कि जिसका मैथ से कोई ताल्लुक ना हो, या ये कि जो बहुत छोटा हो बच्चा, या छोटा मीन्स के जिसने अभी ये सेट्स ना पढ़े हों, या किसी और को आप दिखाएंगे, तो वो कुछ ना इस तस्वीर को देख के ना कोई नतीजा निकाल लेगा कि भाई ये कोई चीज़ है और ये चीज़ है, और दोनों एक दूसरे को काटती हैं, मुश्तरक सा इलाका है दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे सेट दिखाएंगे ना, तो उसको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, लेकिन इससे उसे समझ आ जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है वैन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, कि जिसमें आप बेसिकली लव्स ज़ेहन में रखिए कि आप क्या करते हैं, कि ग्राफिकल फॉर्म में आप जो है ना वो
सेटों के बारे में बात करते हैं, उनको दिखाते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशन से मुराद ये है कि अवामिल, जैसे कि जी सेटों का इंटरसेक्शन है, या ये है कि अब उनकी जो ये यूनियन है वो शो करते हैं, या जैसे आप कहते हैं कि जी कॉम्प्लीमेंट सेट लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ना ग्राफ के जरिए ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं इस तरह। इसको आप ग्राफ को ऐसे बना लें कैसे बना लें, लेकिन आपको देख के अंदाज़ा होगा कि ये ज़रा कॉमन एरिया नहीं। तो ग्राफिकल फॉर्म की हमेशा से ये खूबी रही है कि इससे चीज़ों को समझना देखना आसान होता है। बल्कि एक और भी इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि टेबल से शायद आपके जहन में ये इन्फॉर्मेशन महफूज ना हो, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ग्राफ देख लें ना, तो आपके जहन में हमेशा याद रहेगा कि ग्राफ ए और बी आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप करते थे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल फॉर्म की कुदरती तौर पे खूबी होती है। तो ये तो हमने कर लिया डिस्कस कि थीम, कि ग्राफिकल फॉर्म का जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं ना इस टॉपिक को ना दूसरे मरहले में लेके जाता हूँ, उसमें ये है कि बुक के अंदर यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट और जो 5-6 उन्होंने डायग्राम्स बनाई हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम इंटरनेट से कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो तीसरी स्टेज होगी हमारे लेक्चर की, उससे मैं आपकी सेट ये जो वैन डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग है इसको मैं एक और हायर लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपने यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना पहले, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेट कुछ सिचुएशन अंडर डिस्कशन है, तो उसमें जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स कह लें, या तमाम के तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तमाम के तमाम लोग हैं, या तमाम के तमाम जानवर हैं जिनके बारे में बात हो रही है, उसको अब यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो उसको आम तौर पे ऐसे बड़ा सा एक एक तरीका बना हुआ है कि बड़ी सी रेक्टेंगल बना के तो यू से ज़ाहिर करते हैं। अब आपको मैं ज़रा याद दहानी करवाता हूँ, जैसे हमने कहा था कि नवी जमात के हम तलबा की बात करते हैं, कि उन नवी जमात में ऐसे तलबा जिनका कद 7 फुट से ज़्यादा हो, ठीक है, उनका एक सेट बनाएं। तो उस सेट में हमने पहले कुछ एग्जांपल की थी कि भई उस सेट में लेट्स से कि 3 लोग आते हैं मिसाल के तौर पे। तो नवी जमात है ना वो क्या है, सॉरी कुछ बेकाबू सा हो गया। तो ये जो नवी जमात है ना, ये नवी नाइन्थ ग्रेड मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर लेट्स से कि ये 3 लोग हैं जिनका कद जो है ना वो 7 फुट से ज़्यादा है, 7 फीट टॉल मैं लिखता हूँ। तो ये 3 लोग आते हैं, इसमें इनके नाम लिख लें ए बी और सी, कोई से नाम है इसके, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल सेट, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया होगा, अगर आप चाहें तो पिछले लेक्चर जाके देख भी सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, तो उसके तो उसको उसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल से मुराद ये नहीं कि पूरी दुनिया के बारे में बात हो रही है, नहीं, जो आपका टॉपिक अंडर डिस्कशन है जिसमें से आप सेट बनाएंगे तो उसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी सेट्स हो ना उनको इसके अंदर जाहिर करते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ए है, एक बी है, कोई सी है, मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई डी है, कोई ई है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये फ़र्ज़ करें ये 7 फुट से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन 7 फीट भी, मैं एक ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये लोग जिन्हें जो है ना वो 7 पॉइंट, बल्कि कह लें कि ये 7 फुट वाले हैं, ये जो लोग हैं ना वो 7.1 फीट वाले हैं, ये जो लोग हैं फ़र्ज़ करें कि 7.2 फीट वाले हैं, ये फ़र्ज़ करें लोग 7.3 फीट वाले हैं, ये लोग 7.4 फीट वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो उनका एक सेट बना हुआ, सही है। तो इस तरह आपने ग्राफिकल फॉर्म में इसको जाहिर कर दिया, इसे कहते हैं वैन डायग्राम। बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ़र्ज़ करें कि 2 सेट लेते हैं ए और बी, इनकी ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वैन डायग्राम के अंदर
देखें, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए सेट है। अब अगेन इस चीज़ को भूल जाएं कि क्या है ये नवी क्लास के, जो 10 फुट वाले तलबा हैं, 5 फुट वाले हैं, जो भी है, ए सेट है और ये एक और उसी नवी ग्रेड में एक और सेट है बी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उनमें कोई जो है ना चीज़ कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नहीं है डिसजॉइंट, ठीक है, कॉमन नहीं, ठीक है, हो सकती है ना पॉसिबिलिटी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनमें, कॉमन सेंस की बात है कि इनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन है थोड़ी सी, ठीक है जी, ये ए है, ये बी है और ये थोड़ा से कॉमन एरिया आ गया, यानी कि कॉमन कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे कहूँ जी 7 फिट वाले लोग हैं और ये जी फ़र्ज़ करें कि कह लें 7 फुट वाले, और ये हम कह लेते हैं जी कि ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स मैथ्स में 100 आए हैं, तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब ये कि वो 7 फुट कद वाले वो लोग जिनके मार्क्स 100 से ऊपर आए हैं वो ये हैं, इधर वाली मैं 100 मार्क्स लिख देता हूँ, इधर इधर 7 फीट लिखता हूँ। तो ये जो बाकी एरिया ना, ये वाला, ये वाला, ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स 100 आए हैं लेकिन कद 7 फुट का नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो एरिया ना, ये ब्लू से मैंने किया, ये वो लोग हैं जिनका कद तो 60 फुट ज़्यादा है, 7 फुट से ज़्यादा है, लेकिन मार्क्स इनके 100 नहीं आए। तो सिर्फ वाहिद ये एरिया ऐसा बनता है जिसमें वो लोग हैं कि जिनका कद भी 7 फुट से ज़्यादा है और मार्क्स भी 100 है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी अगर आप सोचें तो वो ये बनेगी, ये आ गया ना ओवरलैपिंग, जिसको उर्दू में कहते हैं मुतराकिब सेट। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये आती है कि एक सेट ए है और दूसरा जो बी सेट है ना उसके अंदर ही आता हो, यानी कि बी सेट जो है ना वो सब सेट है ए का, ठीक है, बी सेट पूरा का पूरा ए में आता है। जैसे हमने कहा था ये 100 नंबर वाले हैं, फ़र्ज़ करो मैं उसी मिसाल को रखता हूँ, ये 7 फीट वाले हैं, इसका मतलब ये है कि 7 फीट जो 100 जिनका जिनके मार्क्स 100 आए हैं वो सारे के सारे 7 फुट वाले लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिनके लोग जिनके मार्क्स 100 आए हैं वो सारे के सारे 7 फुट वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी 7 फुट वाले हैं सबके 100 मार्क्स आए हैं, नहीं, क्योंकि उनका एरिया बड़ा ना ये। तो इस एरिया में मैं आपको कलर लेके बताता हूँ, तो इस एरिया में वो लोग आते हैं जिनका कद तो 7 फुट है लेकिन मार्क्स 100 नहीं आए। लिहाजा वैन डायग्राम्स को पढ़ने के लिए ज़रा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि इससे स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट ये बनती है कि जितने भी 100 नंबर लेने वाले तलबा हैं सबका कद 7 फुट है, क्योंकि 7 फुट के दायरे में या शक्ल में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जितने भी 7 फुट वाले हैं सबके 100 मार्क्स हैं, नहीं, क्योंकि कुछ ये एरिया है ना ऐसा जो 100 मार्क्स वाला एरिया तो नहीं, 100 मार्क्स वाला तो ये एरिया है, ये एरिया 7 फुट वाला तो है, 100 मार्क्स वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका कद तो 7 फुट है, मार्क्स 100 नहीं आए। अच्छा, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उन्होंने बताई कि भाई दो सेट अगर हों तो या तो उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी या कुछ कॉमन होगा या वो पूरे के पूरे एक दूसरे के अंदर होंगे। मैं एनिमेट नहीं कर सकता लेकिन आप समझ गए होंगे कि भाई ये एक एक सेट है, ये एक बी सेट है, तो इसको अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मूव करना शुरू करें तो एक वक्त आएगा ना कि ये ऐसे आता आता ऐसे करके इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाली शक्ल बन जाएगी, और मुमकिन है कि ये इसके अंदर ही पूरा आ जाए ऐसे करके, तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है, वो ये है कि बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि एक सेट ए है और एक बी है, इन पे उन्होंने कुछ ऑपरेशंस के बारे में, अवामिल के बारे में बात की है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बहुत ही आसान चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये सेट ए है, ये सेट बी है, अब आप ये देखें कि अगर मैं
आपसे पूछूं कि अगर मैं सारे एरिया की बात करूं तो क्या होगा? ये सारा एरिया ऐसा एरिया है कि जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है ना, बल्कि ए और बी को मिला के सी ये जो ग्रीन एरिया बना ये क्या है, ए बी और बी भी है, ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या बन गया, ए यूनियन बी, ठीक है? अब बुक में यूनियन की उन्होंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन हमने जैसे पहले डिस्कस किया, मुमकिन है कि सेट जो है वो ऐसे फॉर्म में हो, ए अलग-अलग हो, बी अलग-अलग हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप ए यूनियन बी निकालें, तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी क्या होता है? ए भी होता है तो ये आ गया, बी भी होता है तो ये बी आ गया, तो ये यूनियन बी बन गया। यहाँ कहीं लाइन नहीं लगानी, क्योंकि ए यूनियन बी तो ये बी है, ये तो सारा बार का एरिया है, ठीक है? और इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं बुक के स्कोप से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, बुक में सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ बताई हुई है यूनियन की। मैं आपको बाकी भी तीन फॉर्म, चूँकि जो हमने ये पीछे पढ़ी है ना, इनको मद्देनजर रख के मैं आपको बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब मैं कहता हूँ जी कि आप मुझे ए यूनियन बी बताएं, तो क्या होगा? क्योंकि बी सेट ए के अंदर ही आता, तो जब आप ए को इस तरह करके सर्कल करेंगे तो वो ये ए यूनियन बी बन जाएगा, जो कि बेसिकली ए के ही बराबर है, ठीक है? बात होगी क्लियर? अच्छा, बुक में उन्होंने ना एक और अमल किया हुआ है, उन्होंने सारे के सारे नहीं किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं बुक के अगेंस्ट स्कोप से बाहर जा रहा हूँ, ये मैंने किया, सॉरी, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का, सॉरी, यूनियन का ऑपरेशन किया, ठीक है? हाँ, अब मैं ना ए सेट है, बी सेट है, मैं इस पे ना इंटरसेक्शन का अमल करता हूँ, और मैं वो भी आपको उसकी तीन जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो मैं दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो ये बी सेट है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी को आप शेड करें, तो क्या होगा? खाली सेट, क्योंकि ए और बी का कोई चीज़ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इस पर्टिकुलर केस में आप कहीं कहीं भी शेड नहीं करेंगे, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूँ इस केस में ए ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए और बी के इंटरसेक्शन को सर्कल करें या कलर करें, तो आपने ए और बी ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना कॉमन चीज़ें क्या हैं, तो आपने इस एरिया को सर्कल करना, ठीक है? अच्छा जी, तीसरी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ये ए है, इसके अंदर ही बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा? ये वाला, कि जिसमें ए बी और बी बी है, इस एरिया में ए तो है, इधर इधर ए तो है, बी नहीं है, इस जगह पे ए बी और बी बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया था। मेरा ख्याल हमने अच्छा किया कि ये इसकी सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली। अब बुक की मैं जो दो डायग्राम्स हैं और बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद ना हम तीसरे मतलब हिस्से में चलते हैं अपने लेक्चर के। उसमें एक डायग्राम बनाई हुई है, यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है? अब उन्होंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, बी मैं आपको समझाने के लिए ना स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। पहले मैं जी करता हूँ इसको, बी कॉम्प्लीमेंट एरिया कौन सा है? बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स के बी के बाहर जितना एरिया है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बी है ना, इसके बाहर जितना एरिया है, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है। ये होता है ना यूनिवर्सल सेट माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट ये जो सारा का सारा रेक्टेंगल है, इसमें से इस एरिया को निकाल दें तो बाकी यही पीछे बचेगा ना, जहाँ पे मैंने ये कलर किया है। अच्छा, अब है ए, ए कौन सा एरिया जी? ये वाला,
ये सेट, ठीक है ना, मतलब सीधी सीधी बात है, ये कौन सा है जी, ये जहाँ पे ये येलो लाइन लगी हुई है, ये ए आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है जहाँ पे पर्पल कलर है, यहाँ पे येलो है, ये कौन सा एरिया है, ए वाला। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जहाँ ये एरिया भी है यहाँ और ये भी एरिया, तो वो कौन सा एरिया जहाँ पे दोनों लाइनें हैं एग्जैक्टली। तो जहाँ पे येलो और पर्पल लाइनें हैं ना, ये बेसिकली आपका आंसर है। लेकिन ज़रा क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ये मैंने एक बल्कि मिटा ही दिया एक को, ये जो एरिया आया ना आपका, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब उन्होंने एक और डायग्राम बनाई हुई, मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन सेट हैं, ए बी और सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका सादा लफ्ज में मतलब ये है ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसका सादा लफ्ज में मतलब ये है कि ऐसी चीज़, ऐसा एरिया, ऐसा सेट जिसमें ए ए बी सी तीनों के कॉमन चीज़ें हों। तो ये जगह यही बनती है ना, ये वाली, ये देखें, इस जगह पे देखें, गौर कीजिएगा, ए भी आता, बी भी आता और ये सी भी आता, ठीक है। तो इस जगह को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं, मैंने आपको सारी डायग्राम एक्सप्लेन कर दी। अब आगे सेटों की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़, वो हम ना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आपकी वैन डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो उसके लिए ना मैंने इंटरनेट से कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में बुक के मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात है वैन डायग्राम्स। विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करें, वैन डायग्राम के ऊपर एक टॉपिक है, उन्होंने वैन डायग्राम की हिस्ट्री बताई हुई है। ये एक साहब थे जॉन वैन, जिन्होंने ये 1880 के करीब ये चीज़ कंसीव की थी। लेकिन ये भी है कि इससे मिलती जुलती चीज़ें हिस्ट्री में पहले भी इस्तेमाल होती हुई आई हैं, लेकिन इन साहब ने उनको ज़रा सही तरीके से इस्तेमाल किया, उनकी कुछ कवानीन बनाए, उनको प्रॉपर तरीके से पेश किया, उनको इकट्ठा किया और उनको आगे प्रेजेंट किया। तो इस तरह उनकी ये कंट्रीब्यूशन बड़ी बनती है। तो ये वैन, जॉन वैन एक साहब थे, उनके बारे में बताया गया इसमें। उसमें वैन डायग्राम की उन्होंने तस्वीर भी बनाई हुई है कि उन्होंने क्या किया है, कि देखें, तीन सर्कल हैं, उन्होंने कहा जी वैन डायग्राम शोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्रीक, लैटिन एंड रशियन अल्फ़ाबेट्स, कि एक ये फ़र्ज़ करें ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ये रशियन अल्फ़ाबेट्स का सर्कल है और ये लैटिन अल्फ़ाबेट्स का सर्कल है। तो तीनों के अंदर जो कॉमन अल्फ़ाबेट्स हैं वो ये वाला एरिया आता, तो उसकी उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। तो ये उसमें बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। अब ये ना कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इसमें ये है कि अगर आप तीन की बजाय चार सेट्स हो, पांच सेट्स हो, तो हायर डिग्री के जो सेट्स होंगे ना, उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस पर एक आर्टिकल है, जॉन वैन का नाम हमने पढ़ा, 1880 के करीब पढ़ा। तो फिर हमने मज़ीद सर जो ना रिसर्च की कि जॉन वैन साहब ये कौन थे, वैन डायग्राम जिनके नाम पे हैं। तो ये वो साहब थे जॉन वैन, ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, मैथमेटिशियन थे ये साहब और लॉजिशियन थे। ये 4 अगस्त 1834 को ये पैदा हुए थे इंग्लैंड में, तो इनके नाम से ये चीज़ मंसूब की जाती है, ये हैं जॉन वैन साहब, ठीक है जी। ये उनके बारे में लिखा है कि 1834 में हल यॉर्कशायर में पैदा हुए थे। उनके अम्मी अबू के बारे में बात की गई है, उनकी लाइफ के बारे में बात की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सिर्फ एक चीज़ में ये लगी कि ये साहब जो थे ना, ये इनके अंदर ना वो बड़ा स्किल था कि वो ना मशीन्स भी बनाते थे। ये वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ें ना,
तो उन्होंने ना ऐसी मशीनें बनाई जो क्रिकेट के बॉल फेंकती थी या बॉलिंग करवाती थी मशीनें। अब आप आई एम श्योर कि आपने प्रैक्टिस में शायद मशीनें देखी हों, लेकिन वो उस ज़माने में उन्होंने मशीन बनाई जो क्रिकेट की बॉलिंग करवाती थी या बॉल फेंकती थी। उसकी वजह से जो कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई हुई थी कैम्ब्रिज में 1909 में, तो जो इनकी मशीन थी उनकी वजह से उनकी जो टीम के अंदर इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर जो कोई टॉप के कोई खिलाड़ी थे तो उनको उन्होंने आउट शाउट किया था, उसके बारे में लिखा हुआ। तो फिर किसी बिल्डिंग में उनके नाम या उनके नाम को सराहते हुए या उनको एक्नॉलेज करते हुए उनके काम को वहाँ पे शीशों पे इस तरह उन्होंने एक डिज़ाइन भी बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये स्टेन ग्लास है इस जगह पे इस कॉलेज में कैम्ब्रिज में उनकी मतलब याद के अंदर। ठीक है, अगली चीज़ में आपको इस एक और मैंने वेबसाइट देखी थी, आप वेबसाइट का ये देख सकते हैं, mathworld.wolfram.com, आगे वैन डायग्राम्स है आप ये देख सकते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ, सिर्फ ये मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि जब आप हायर ऑर्डर की बनाना शुरू करते हैं ना, कि मतलब जिसमें तीन सर्किल पर चार हों पाँच हों छः हों, तो बास बड़ी कॉम्प्लेक्स ही डायग्राम्स बनती हैं। तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एक आपको ना हल्का सा एक मतलब टच देना चाह रहा था कि वैन डायग्राम इतनी सिंपल नहीं है जो दो तीन हम इसके अंदर बना लेते हैं ना, सेट्स या सर्कल्स बना लेते हैं या शेप्स बना लेते हैं। ये जब हायर ऑर्डर की जाती हैं तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और मैथमेटिक्स में इनका खासा इस्तेमाल होता है, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। बस ज़रा हल्का सा आपको ना एक जायका देना चाह रहा था इसका। और ये देखें, ये उसकी और एक हायर फॉर्म है जिसके जिसके अंदर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, कंप्यूटर से आई एम श्योर उन्होंने बनाई होगी। और देखें इसमें मतलब कितने ज़्यादा एरियाज, कितने कितने कॉमन, और वो सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, फिर ये कोई आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने वैन डायग्राम्स को अपने जो है ना वो इस्तेमाल किया हुआ है अपने आर्ट में, जैसे उन्होंने यू मी फॉर एवर ये उन्होंने एक बनाई हुई है एक कॉन्सेप्ट। ये देखें इसी तरह हेयर देयर एवरीवेयर, ये देखें अवेक स्लीप ड्रीम्स कॉमन एरिया, ये सारे ओवरलैपिंग सेट्स हैं ना, इंटरसेक्शन है, टाइम स्पेस इनफाइनाइट। तो किसी आर्टिस्ट ने भी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे एक ये वेबसाइट मिली, एक ब्लॉग मिला, ये इसकी वेबसाइट है अगर आप नोट करना चाहें। इसमें ना थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसके कंटेंट्स ना मे बी आप में से कुछ लोगों को अगर वो बहुत ज़्यादा अपने मैथ्स के टॉपिक से हट के मज़े पे फोकस करना शुरू कर दें और कंटेंट्स पे, तो वो मे बी उनको थोड़ा सा ये मतलब अच्छी ना लगे। लेकिन ना उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रखें, हम बाद में ना उसकी तरफ आएंगे और मैं कुछ आपको चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। लेकिन इसमें ये जो साहब है ना जिनका ये ब्लॉग है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कॉल सेंटर में कोई टीम लीड रहे हैं, और फिर ये ना कोई रिलीजियस लीडर वगैरह भी हैं कुछ, इनका अपना इस तरह का सिलसिला है। उन्होंने क्या किया कि गूगल में जाके ना टाइप करना शुरू किया वाई आर मुस्लिम सो, इतना टाइप किया। अब जो लोग गूगल को इस्तेमाल करते हैं ना, आपको पता होगा कि गूगल जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको ना फिल करना शुरू कर देता है, आपके जो वर्ड्स हैं ना उनके लिए आगे से वो लाना शुरू कर देता है अल्फाज। जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, वाई आर, देखिए अब ये गूगल ऑटोमेटिकली चीज़ें ला रहा है ना, खुद बहुत ऑटोमेटिक फिल इन करता जा रहा है, वाई आर मुस्लिम्स सो। अच्छा, अब मैंने सिर्फ सो लिखा है तो उसने मुझे बहुत सारी ऑप्शन दी, एंग्री सेंसिटिव इंटॉलरेंट क्रेजी इग्नोरेंट मीन स्मार्ट सेक्सिस्ट अनोइंग पिस्ड ऑफ। तो उसने इस तरह करके ना बहुत सारी जो ये आती हैं ऑप्शंस इनका ना स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, फिर उसने, अच्छा एक चीज़ बता दूँ कि ये जो अल्फाज आ रहे हैं ना एंड में, ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वो ही हों जो उस वेबसाइट के ऊपर हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये अल्फाज ना तब्दील होते हैं, जिस तरह सर्च जिस तरह ज़्यादा करें तो कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं कुछ नीचे चली जाती हैं। शायद वो कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन उसने किया इस तरह था। फिर उसने क्या किया, वाई आर ज्यूज़ सो,
तो इसके ऊपर देखें ऑटोमेटिकली जो ऑप्शंस आती है ना, ये ऑप्शन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि जितना लोग जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा वर्ड सर्च करते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी ऊपर आती हैं। इधर लिखा जी चीप, स्मार्ट, सक्सेसफुल, रिच, अनोइंग, फनी, ग्रीडी, लिबरल, मीन, पावरफुल। फिर उसने क्या किया कि वाई आर क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस, सो इसकी भी कुछ ऑप्शंस आ गई। तो उसने ना इन सब को नोट कर लिया, स्नैपशॉट ले लिया, पिक्चर ले ली। वाई आर मुस्लिम सो वायलेंट, स्टूपिड, एंग्री, क्रेजी, ज्यूस चीप, सक्सेसफुल, स्मार्ट, ग्रीडी, अगली, हेटेड, क्रिश्चियन सो स्टूपिड, जजमेंटल, इग्नोरेंट, हेटफुल, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये एक तरह से, अब अगेन हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि इन मुसलमानों में, यहूदियों में, ईसाइयों में खूबियाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इस्तेमाल था वैन डायग्राम्स का, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने, उसने ना फिर इन प्रॉपर्टीज़ को ना मैप किया वैन डायग्राम्स में। ये देखें मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़, उसने जो, नॉट प्रॉपर्टीज़ मैं नहीं कहता, प्रॉपर्टीज गलत लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों के साथ जब उसने टाइप किया तो जो अल्फाज आए वो उसने इधर लिख लिए मुसलमानों के सर्कल में, क्रिश्चियंस के जो सर आए वो लिख लिए, ज्यूज लोगों के आए वो लिख लिए। फिर उसने बुद्धिस्ट का भी किया। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब उसने किया ना बुद्धिस्ट का, जिन्हें हम कहते हैं ना वो बुद्धिस्ट, ये जो तिब्बत वगैरह में और इस साइड पे जो लोग हैं, तो इसका सिर्फ एक हैप्पी आया। ठीक है, वापस आता हूँ। तो फिर इसने उनको ना वैन डायग्राम में ड्रॉ किया, उसने देखा फिर कौन कौन से अल्फाज मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए कॉमन थे, कौन से अल्फाज ज्यूस के लिए और मुसलमानों के लिए कॉमन थे, कुछ कौन से अल्फाज क्रिश्चियन और ज्यूस के लिए कॉमन थे। तो उसने ये ड्रॉ किया कि देखा कि, और ये बुद्धिस्ट का चूँकि किसी के साथ भी कुछ भी कॉमन नहीं था, ये लहजा से हैप्पी थे, तो क्रिश्चियंस और ज्यूस के दरमियान कॉमन लफ्ज़ सिर्फ अनोइंग था, मुस्लिम्स और ज्यूस के दरमियान कोई भी लफ्ज़ कॉमन नहीं था, और मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान ये लफ्ज़ कॉमन थे, क्रेजी, हेटफुल, इनटॉलरेंट, स्टूपिड, और तीनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं था। अगेन अगेन फोकस मैथ्स पे रखें, इस चक्रों में बिल्कुल ना पढ़ें, ये मत समझे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मुख्तलिफ जो है ये मज़ाहिब की, ये बस गूगल की में जो अल्फाज आते हैं, सिर्फ उन अल्फाज को पिक किया गया और यहाँ रख दिया गया है। प्लीज़ प्लीज़ मज़हब के इस वक्त इस बहस में बिल्कुल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह उसने ड्रा करके पॉइंट में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह वैन डायग्राम्स को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि भाई आज जो तीन या चार ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन कौन सी नहीं है। तो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप वैन डायग्राम्स को इस्तेमाल करके किस तरह इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए जो मजहबी एंगल है ना उस पर वापस आता हूँ। तो अगर आप ये पढ़ें ना, तो इसका लुबे लुबाब ये है कि वो ये बंदा ये कहता है कि लो हमारे बारे में ये क्यों लोग सोचते हैं कि हम नैरो माइंडेड हैं, हिपोक्रेट हैं, मतलब हमारा दिखावा करते हैं, जजमेंटल है, इस तरह की हमारे अंदर ये जो बुरे बुरे अल्फाज आते हैं ये क्यों है। कोई ना कोई टाइप करता होगा हमारे बारे में ये अल्फाज, तो फिर वो गूगल उनको पिक करता तो वो लाता है ना। तो ये कहता है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, ये एक बंदा क्रिश्चियन है, कि हमें काम करना चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए ताकि लोग हमें ऐसा ना समझें। तो मेरा भी ऐसा ही है कि हम अगर मुस्लिम्स हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना अपना इम्प्रेशन जो है वो उसको बेहतर बनाएं, ताकि लोग हमारे बारे में जो है, जो गलत किस्म के गलत गलत किस्म के इनकी सोच है हमारे बारे में, या गलत अल्फाज उनके जहन में आते हैं, जैसे ये कि वॉयलेंट है, एंग्री है, इवल है, इस किस्म के अल्फाज उनके जहन में ना आए। तो ये थोड़ा सा इसका मजहबी एंगल था, लेकिन प्लीज़ आप मजहबी बहस में नहीं पढ़ते, सिर्फ मैथ्स तक हम महदूद रहते हैं। आगे चलते हैं। ये एक साइट है जी, मैथ्स डॉट टी एम यू डॉट ई डी, गालबन कोई यूनिवर्सिटी होगी। उसमें उन्होंने बहुत सारी जो है ना वो क्या कहना चाहिए, पजल्स कह लें, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको ना आप वैन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे कहते हैं ना जी कि आपने, आई एम श्योर के पहले ऐसी पहेलियाँ भी मतलब सुनी होंगी कि
कि इसमें वैसे ही ये ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि जी 208 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, और फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो ना फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश कोर्सेज ऑफर करता है। अब 4 स्टूडेंट्स ने तीनों के तीनों लैंग्वेजेस ली, 48 स्टूडेंट्स ने सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, सिर्फ नहीं लिखा वैसे लिखा है कि 48 स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा जी 124 स्टूडेंट्स स्पेनिश पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने एक और कंडीशन दे दी कि जी वो ये तो पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे। फिर 27 जो है ना वो पुअर मिसगाइडेड सोल्स डू नॉट स्टडी एनी फॉरन लैंग्वेज, इनके वो 208 में से 27 स्टूडेंट्स कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ते। फिर उन्होंने एक और कंडीशन दी है। ऐसी आपने हम शोर पहेलियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि इन्होंने वैन डायग्राम की मदद से इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को हल किया। उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करने शुरू कर दिए। जैसे स्पेनिश हैं तो जी अगर वो स्पेनिश और जर्मन कितने लोग इकट्ठे लेते हैं तो वो 12 कर दिया। और फिर को 4 लोग जो है ना वो सारी की सारी ले रहे हैं, फ्रेंच और स्पेनिश जब मिल मिला के वो 16 लोग लेते हैं, ये जर्मन और ये लोग 8 लेते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह करके ना वैन डायग्राम बना के तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो मतलब वैन डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, राइट, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह ये एक वेबसाइट है शोडोर डॉट और, उसके ऊपर ना वैन डायग्राम्स की जो ना उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप लोग, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वैन डायग्राम्स में तो इसमें ना आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पजल्स हैं एक तरह से, डिफ़िकल्टी लेवल आप चूज़ करते हैं। जैसे ये है कि ये वाला है ना, फ्रैक्शंस इक्वल टू 50%, फ्रैक्शन इन रिड्यूस, थोड़ा सा मुश्किल आ गया मेरे लिए, भी पढ़ना आसान है मुश्किल है, सॉरी। ये देखें इस, ये जो डब्बा है ना ये वाला, ये है जी फैक्टर्स ऑफ 24। मेरा माउस कहीं चला गया, ये थोड़ा थोड़ा माउस ज़रा काबू नहीं आ रहा। ये फैक्टर्स ऑफ 24 है और ये वाला प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप बताएं 3 को आप कहाँ रखेंगे, 3 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? तो आप सोचें, बहरहाल उसका जवाब ये है कि 3, मैंने तो कहीं भी नहीं लगाया, फर्ज करें मैं यहाँ लगा देता हूँ। कहते हैं जी चेक आंसर, इनकोरेक्ट है, 3 यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आता, जी चेक आंसर करता हूँ। उसने कहा जी हाँ ये ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा, जो कि फैक्टर ऑफ 24 भी और प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना। 3 फैक्टर ऑफ 24 भी तो आता है ना। तो इस तरह उन्होंने इंटरेस्टिंग सी पजल्स दी हुई हैं, अगर आप करना चाहें अपने इंटरेस्ट के लिए तो ज़रूर करें। इसी तरह ये एक और वेबसाइट है जो कि है रेजेंट्स प्रेप डॉट और, उसके ऊपर उन्होंने वैन डायग्राम्स की पजल्स दी हुई हैं कि जी इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 18 18 जो है ना वो कोरस कोई पढ़ते हैं, 26 जो है ना वो बैंड बैंड पे प्रैक्टिस करते हैं, और कोरस में खैर वो जो गाने वाले इकट्ठे गाने वाले होते हैं ना वो लोग होते हैं, और 2 लोग जो है ना वो कोरस और बैंड दोनों लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉट एनरोल्ड इन ईदर कोरस और बैंड, कि भाई कितने स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में से किसी जगह भी नहीं करवाया। आंसर है जी 8 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और ये एक्सप्लेनेशन है उसकी, इन्होंने वैन डायग्राम बना के इसको सॉल्व किया हुआ। तो अगेन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप, जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो वो ऐसी चीज़ें गूगल पे सर्च करके ऐसी वेबसाइट ढूंढ सकते हैं, और जो है ना उस अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ ही ना हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आई एम श्योर कि आपको वैन डायग्राम्स की समझ आ गई होगी कि वैन डायग्राम किस लिए हैं, और उनका जो मकसद बुक के अंदर ये जो सिर्फ बताया ना कि जो सेट्स होते हैं, 2 को मिला दें, 3 को मिला दें, 2 सेटों में कॉमन क्या है, उससे कहीं ज़्यादा बुलंद उनका जो मकसद है वो है लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में ना ये जो 1.4 टॉपिक था ना, इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ सेटों की प्रॉपर्टीज़ हैं कि यूनियंस प्रॉपर्टी है, नहीं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, सेटों के यूनियन की खासियतें मुबादला, और सेटों के तकाते की खासियतें मुबादला, इनके सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो जो हमने शायद पहले की हुई है, अब उनको हम ना वैन डायग्राम्स की मदद से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।